Hello everyone. Today we are going to discuss some short tricks how to find out bond order. बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है. इसी तरीके से व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी. व्हाट आर द रिलेशनशिप्स बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी. ये इन तीन टॉपिक्स का आपस में रिलेशनशिप देखेंगे और हम यहाँ पर स्टडी करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स टू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. लेट वी स्टार्ट. आइए हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बॉन्ड ऑर्डर है क्या. दीज आर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स. नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड एज द बॉन्ड ऑर्डर. या फिर इट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बी एम ओ एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ए बी एम ओ. हाउ इट वुड बी फाइंड आउट. इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं. बॉन्ड ऑर्डर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टू. इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीशी के द्वारा दरमियान जो बॉन्डेड एटम्स हैं इनके दरमियान हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. एज मच शुड बी द नंबर ऑफ बॉन्ड्स हाई, बॉन्ड एनर्जी शुड बी हाई. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक ऑन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच इज ग्रेटर इन एनर्जी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबसे ग्रेटर है. You look at that values, carbon single bond, bond energy जो है 348 किलो जॉल पर मोल, 614 किलो जॉल पर मोल एंड 839 किलो जॉल पर मोल इसकी बॉन्ड एनर्जी आती है. सिमिलरली बॉन्ड स्टेबिलिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा उतनी बॉन्ड स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी. सिमिलरली बॉन्ड लेंथ इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. फॉर एग्जांपल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हैज बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर. सिमिलरली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हैज बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हैज बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर. इसी तरीके से अब बॉन्ड ऑर्डर को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा. देयर्स शॉर्ट ट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने दो केस बना दिए हैं. केस वन, दैट वन इज बा. बी स्टैंड फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ए स्टैंड फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार
to S. For example, H 2. अब H 2 के अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन सम जो आता है दैट वन इज वन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का वन टू, तो बा रूल के मुताबिक टू इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में और कंप्लीट हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका? बॉन्ड ऑर्डर शुड बी इक्वल टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय टू। आंसर इज वन। सिमिलरली एच टू प्लस वन, अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन सम देखें तो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया गया है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे? वन। तो बाबा रूल वन इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गया। तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, नाउ बॉन्ड ऑर्डर शुड बी वन माइनस जीरो डिवाइडेड बाय टू। आंसर इज 0.5। सिमिलरली एच ई टू इलेक्ट्रॉन सम, यहां पे यू शुड सी हीलियम हैज टू इलेक्ट्रॉन पर एटम, बट हियर टू हीलियम एटम्स आर कंबाइंड, टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर। अकॉर्डिंग टू बाबा रूल टू इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड टू इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा वन एस एंड सिग्मा वन एस स्टार। नाउ बॉन्ड ऑर्डर शुड बी इक्वल टू टू माइनस टू डिवाइडेड बाय टू। आंसर इज जीरो। सिमिलरली एच ई टू माइनस वन, इट हैज चार्ज ऑफ माइनस वन। इलेक्ट्रॉन सम अगर यहां पे देखा जाए तो पर हीलियम एटम टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस वन इलेक्ट्रॉन जो इस मॉलिक्यूल ने गेन किया, टोटल फाइव। अकॉर्डिंग टू बाबा रूल टू इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा वन एस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टू इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा वन एस स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड वन इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s। नाउ बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर 2 एंड दिस वन 3 माइनस 2 एंटी बॉन्डिंग दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2। आंसर इज 0.5 बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। सो आई थिंक यू शुड बी फैमिलियर अबाउट दिस केस 1। नाउ स्विच टुवर्ड्स सेकेंड केस। सेकेंड केस में देखिए यू हैव इलेक्ट्रॉन सम, यहां पर हमने बाबा रूल अप्लाई नहीं करना। यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन सम को हम यहां पे देखेंगे, यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन सम यहां पर हम 14 लेते हैं, इलेक्ट्रॉन सम 14, इससे ऊपर की तरफ जाए तो 13, 12, 11, 10, 9, 8, 14 अगर इलेक्ट्रॉन सम आता है किसी भी मॉलिक्यूल का तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, अगर 13 आता है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, अगर 12 आता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 11 आता है तो 1.5, 10 आता है तो 1, 9 आता है तो 0.5, और अगर इलेक्ट्रॉन सम 8 आता है तो बॉन्ड ऑर्डर 0। सिमिलरली नाउ 14 से हम ऑनवर्ड लेके चलते हैं, दैट इज 15, 16, 17, 18, 19, 20। नाउ 15 है तो 3 से अब 0.5 हम
रिड्यूस करते जाएंगे, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 एंड 0. इफ यू लुक एट दिस 14, 14 से हमने स्टार्ट किया, बैकवर्ड जाएंगे तो अभी 0.5 जो है बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा. अगर 14 से 20 की तरफ जाएंगे तो भी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अब इसकी इंप्लीमेंटेशन देखिए, ये O2 है, ऑक्सीजन है. इलेक्ट्रॉन सम देखिए इसका, इलेक्ट्रॉन सम दैट इज ऑक्सीजन 8 प्लस 8 16. तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, दैट शुड बी 16, बॉन्ड ऑर्डर इज 2, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2. सिमिलरली दैट वन इज O2 माइनस 2, इट हैज इलेक्ट्रॉन सम. इलेक्ट्रॉन सम की बात करें तो 8 ऑक्सीजन एटम, अनदर ऑक्सीजन एटम 8, एंड इट हैज गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स सम इज इक्वल टू 18. नाउ इट हैज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 18, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1. सिमिलरली O2 प्लस में देखिए, एक प्लस का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सम अब इसका जो होगा दैट शुड बी 8, एक ऑक्सीजन एटम प्लस अनदर ऑक्सीजन एटम 8 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो टोटल आपके पास 15. नाउ इट हैज बॉन्ड ऑर्डर 15 का 2.5 हो जाएगा. ओके अगेन डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली CN, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के हैं दीज आर 6, नाइट्रोजन के 7, न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं है, 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13. इट हैज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2.5. सिमिलरली आप अदर स्पीशीज का भी फाइंड आउट कर सकते हैं. चंद एक मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराता हूं. हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट इन, ये आपके पास गिवन ऑप्शंस है. अब इसका सॉल्यूशन देखिए, CN प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, और प्लस का एक चार्ज है, प्लस होने की वजह से, प्लस चार्ज होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन सम आया 12. सिमिलरली CN का, NO का और CN का अब फाइंड आउट करेंगे. अब 12 आया है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 12 का, 2. सिमिलरली CN माइनस, अब प्लस 1 करेंगे क्योंकि माइनस चार्ज होने की वजह से है, कार्बन नाइट्रोजन 14, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आया 3. इसी तरीके से NO का, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 15, तो 2.5. ओके हो गया डियर स्टूडेंट्स. सिमिलरली CN कार्बन प्लस नाइट्रोजन 13, 13 का 2.5. सो द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इज CN माइनस, सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी बीटा. ये ऑप्शन आपके पास आंसर्ड हो जाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, द पेयर ऑफ स्पीशी हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम है. अब देखिए ये, आप अगर नॉर्मल वे से चले, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग, पहले डायग्राम बनाए फिर इलेक्ट्रॉन निकाले, तो ये काफी सारा टाइम आपका कंज्यूम होगा. यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड और NO, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, यहां पे नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के, 14 और 15 आया है सम, तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ये 14 का, ये 15 का हो गया. सिमिलरली O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, NO प्लस नाइट्रोजन का, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, माइनस 1 क्योंकि चार्ज 1 है, 14 आया तो बॉन्ड ऑर्डर 3. ये देखिए ये भी आपस में मैच नहीं कर रहा, तो यहां पे आपके पास इसको सॉल्व करेंगे आप तो CN माइनस और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इन दोनों स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3.
थ्री है, ये कार्बन के हो गए, ये ऑक्सीजन के, ये कार्बन ऑक्सीजन और ये माइनस चार्ज होने, नाइट्रोजन और ये माइनस चार्ज होने की वजह से है। सो आंसर शुड बी द चार्ली। अनदर एमसीक्यू, एक और एमसीक्यू देखिए, सिलेक्ट करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर को आप देखिए, O2+, ये आपके पास गिवन ऑप्शन है जिसमें सारे ऑक्सीजन है। O2+ का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, अनदर ऑक्सीजन एंड माइनस वन इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, 2.5 हो गया। O2 माइनस का 1.2 और O2 का 2 आ गया है। अब करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर जो है O2+2 का है और सबसे लोएस्ट जो है O2-2 का है। O2-1 यहां पे आना चाहिए, फिर इससे जो हाईएस्ट है वो आपके पास O2 है और यहां पर O2+ आना चाहिए। O2- का 1.5 है, O2 का 2 है और इसका 2.5 है। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी बीटा। यहां पर आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अनदर एमसीक्यू देखिए, विच डज नॉट एग्जिस्ट, कौन इसमें से एग्जिस्ट नहीं करता। हीलियम डायटोमिक 2+ का चार्ज है, एक हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, दूसरे हीलियम के इलेक्ट्रॉन 2, इसी तरीके से 2+ का चार्ज है तो -2, 2 हो गया इलेक्ट्रॉन सम, तो यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन सम 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। कैसे, ये आपके पास बा बा रूल था, तो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों बॉन्डिंग में आ जाएंगे, तो इसका 2-0/2 आंसर इज इक्वल टू 1। Ag+ को देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स का सम 3 आ रहा है, तो 2 ही बाबा रूल आप यहां पे अप्लाई करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में, 1 एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर शुड बी 2-1/2, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ओके हो गया डियर स्टूडेंट्स, 0.5। सिमिलरली H2- को देखिए, बाबर रूल यहां पे भी अप्लाई करेंगे, H2 है आपके पास तो एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन माइनस चार्ज होने की वजह से टोटल इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। बाबर रूल यहां पे अप्लाई करें तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 3 आ रहे हैं, तो यहां पर आपके पास ये आपके पास 2 1, तो 2-1/2, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 0.5 आपके पास बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरीके से एच हाइड्रोजन डायटॉमिक 2- का चार्ज है, ये 1 हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम -2 चार्ज होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए, तो बाबा रूल अप्लाई करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का सम 1 से लेकर 8 तक आता है तो बाबा रूल, 8 से 20 तक आता है तो फिर आपको दूसरा रूल केस अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे 2 और 2 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2-2/2 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0, तो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पर आपके पास आंसर फिर क्या हो गया, डेल्टा डी ऑप्शन आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे। होप सो यू रियली एंजॉय द वीडियो। आप से इल्तमास है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपने व्यूज दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे